कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, हमें करना होगा विचार, आखिर हम यहां क्यों पहुंचे, करनी होगी समीक्षा। हम इस बात की करनी होगी कि हम यहां पहुंचे तो क्यों पहुंचे, क्या कारण थे। सलमान खुर्शीद ने कहा, राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद क्यों छोड़ा, इससे बड़ा संकट नेता कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए। अगर कुछ विलंब हुआ है तो उसका कारण मैंने ये बताया कि ये हुआ कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हमें छोड़ गए। खुर्शीद ने कहा, कांग्रेस में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं, उनसे अच्छे नतीजे आने की उम्मीद। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को हवा हवाई सरकार बताया, कहा गरीबों और किसानों के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं। अशोक तंवर के बाड़ी छोड़ने पर सुरजेवाला ने शैलजा से जुदा राय जाहिर की, कहा उनके जाने से फर्क पड़ेगा, उन्हें मनाकर वापस लाना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी के विदेश दौरे और विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर टालने वाला जवाब दिया, पूछा मीडिया को राहुल के ट्रेवल प्लान में क्यों दिलचस्पी। राहुल के विदेश दौरे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कांग्रेस की छुट्टी कर उनके नेता छुट्टी पर गए, नीतियों में कंफ्यूजन से नेतृत्व में है डिविजन। हिसार में भारत माता की जय नहीं बोलने पर जनता पर भड़के टिकटॉक स्टार और बीजेपी उम्मीदवार सोनाली फोगाट, बाद में मांगी माफी। आज रणदीप सुरजेवाला के गढ़ में अमित शाह की हुंकार, कैथल में बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। अंबाला में खट्टर सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शुरू किया डोर टू डोर कैंपेन, कहा कभी समर्थन मांगने डेरा नहीं गया, न जाऊंगा, पार्टी के बारे में पता नहीं। बीजेपी नेता अनिल जैन के बंदर वाले बयान पर दुष्यंत चौटाला का पलटवार, बोले बीजेपी रूपी रावण को वानर सेना लगाएगी आग। हरियाणा के 14 साल के रिपोर्टर गोल्डी की जगह जगह चर्चा, अब तक कई नेताओं का इंटरव्यू ले चुका है न्यूज पोर्टल चलाने वाला गोल्डी, अब हिसार में चुनावी सर्वे करने पहुंचा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की शराबबंदी वाली चुनौती पर राजस्थान के मुख्यमंत्री का पलटवार, गहलोत ने कहा रूपाणी सिद्ध कर दें गुजरात में शराब नहीं मिलती तो मैं छोड़ दूंगा राजनीति। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, कर्ज माफी के नाम पर किसानों से धोखा, बिजली बिल के नाम पर डाला जेल में। सूरत कोर्ट में 10 अक्टूबर की पेशी के लिए राहुल गांधी को समन, मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों, इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने किया था केस। गोरखपुर में दशहरा मनाकर आज लखनऊ वापस लौट रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कल से चुनावी राज्यों में करेंगे प्रचार। 10 अक्टूबर को महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली, 13 और 14 को भी करेंगे प्रचार। 11-12 अक्टूबर को हरियाणा के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, पार्टी के लिए प्रचार। पेरिस में राजनाथ सिंह की फ्रांस की रक्षा कंपनियों के साथ बैठक, आज रक्षा सौदों पर होगी चर्चा। फ्रांस ने भारत को औपचारिक तौर पर सौंप दिया पहला लड़ाकू विमान राफेल, राजनाथ सिंह ने की राफेल की शस्त्र पूजा। राजनाथ सिंह ने रोली चंदन के साथ की पूजा, राफेल पर बनाया ओम का निशान। फ्रांसीसी एयरफोर्स के पायलट के साथ राफेल पर सवाल हुए राजनाथ सिंह, आसमान में भरी ऊंची उड़ान। राजनाथ ने कहा राफेल का मतलब होता है आंधी, विश्वास है अपने नाम पर खरा उतरेगा राफेल। राफेल की पूजा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा राफेल किसी को डराने के लिए नहीं, उद्देश्य यही है सेल्फ डिफेंस का, आत्मसुरक्षा का। हम किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए, अगर किसी को डराने के लिए सब नहीं कर रहे। रक्षा मंत्री की राफेल पूजा को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बताया सरकारी ड्रामा, कहा विजयादशमी से इसका कोई संबंध नहीं। मुंबई के आर्य जंगल में काटे गए पेड़ों को दी गई श्रद्धांजलि, आदिवासियों ने मनाया मातम। सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक, 21 अक्टूबर को फिर से सुनवाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग वाले बयान पर ओवैसी बोले मुस्लिम युवाओं के साथ हो रही है मॉब लिंचिंग, भागवत को नहीं दिखाई दे रही। 14 से जब से बीजेपी की सरकार बनी एक मंसूबाबंद तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है। मिस्टर मोहन भागवत, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा जिस दिन मोहन भागवत एकता के संदेश पर करेंगे अमल बंद हो जाएगी मॉब लिंचिंग। मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग को बताया था बाइबल का शब्द, लिंचिंग के नाम पर साजिश। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा प्रधानमंत्री खुद मान चुके हैं कि कुछ लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, अब सेल्फ भी करें इसे स्वीकार।
पाबंदी के बाद फिर से श्रीनगर में खुले कॉलेज, क्लास में नहीं आए छात्र। घासीराम की 13वीं पुण्यतिथि, लखनऊ में जुटे बीएसपी कार्यकर्ताओं ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। सिरसा में ट्रक तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, गोलीबारी में एक अपराधी की मौत, एक घायल। कैमूर में इंटरमीडिएट के छात्र की पीट पीट कर कुछ लोगों ने हत्या कर दी, आरोपियों पर पहले से दो हत्याओं का आरोप। दशहरे में विवाद के राजस्थान के टोंक में लगाया गया कर्फ्यू, भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कश्मीर पर पाकिस्तान को एक और झटका, चीन ने भी बताया कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के दौरे से पहले कश्मीर पर चीन का रुख साफ किया, दोनों देश बातचीत से सुलझाएं कश्मीर विवाद, कहा। पाक में राजनीतिक खींचतान का एक और संकेत, इमरान खान के चीन दौरे से कुछ घंटे पहले चीन पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ, पहले जाना था साथ। यूपी के संभल का रहने वाला अलकायदा का आतंकवादी आसिम अमेरिकी हमले में अफगानिस्तान में मारा गया, सितंबर में मौत का दावा। आसिम अलकायदा चीफ अल जवाहिरी का था करीबी, पीएम मोदी को 2015 में दी थी इसने धमकी, 90 के दशक में छोड़ दिया था भारत। महाराष्ट्र के वासी रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में आग लगी, यात्रियों में मची भगदड़। आनन फानन में खाली कराई गई पूरी ट्रेन, काट दी गई ट्रेन की बिजली। हार्बर लाइन पर वासी रेलवे स्टेशन पनवेल जा रही थी ट्रेन, सभी लाइनें इस पर ट्रेन जो है यहां पर वो देर से चल रही है। मुजफ्फरपुर में बेकाबू पुलिस की गाड़ी की चपेट में आने से 11 लोग घायल, गुस्साई भीड़ ने गाड़ी में लगा दी आग। प्रयागराज में तेज रफ्तार कार पटली, 3 लोग घायल हुए। यूपी के मुरादाबाद में बच्चा चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, बस अड्डे पर दंपत्ति ने महिला का बच्चा चोरी किया। दिल्ली में शादी समारोह में डांस के दौरान लहराई गई गन, लड़कों ने की अंधाधुंध फायरिंग। झांसी में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने पुलिस मुठभेड़ को बताया फर्जी, पीड़ित परिवार से मिले। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। मंदसौर में दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा, युवक की डूबने से मौत। मध्य प्रदेश के धार में 1.5 करोड़ रुपए की अवैध शराब बरामद, 2 ट्रक जब्त किए गए। सुपौल में गांव वालों ने सड़क पर की आगजनी, पुलिस पर लगाया लोगों से मारपीट का आरोप। मथुरा में रेलवे ट्रैक पर गांव वालों का प्रदर्शन, रेलवे के अंडरपास का कर रहे थे विरोध। सीहोर में थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से किसान की मौत, सोयाबीन की फसल निकालते समय हादसा। झारखंड के जामतौड़ा में पुलिस की गिरफ्त में आए 7 किडनैपर्स, 15 लाख रुपए की इन लोगों ने मांगी थी फिरौती। दिल्ली में सिलेंडर फटने से मां बेटी की मौत, चूल्हा रिपेयर करने वाला शख्स गंभीर रूप से घायल। गया में तेज रफ्तार आ रही कार की चपेट में शख्स की मौत, गुस्साए लोगों ने कार में लगा दी आग। उदयपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग, दुकान का सामान जलकर खाक। देवास में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत, नहाने गए थे सभी बच्चे। धौलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, 6 युवक डूबे, 3 की मौत हुई, 3 को बचाया गया। यूपी के मऊ में मां बेटी की दिन दहाड़े हत्या, हमलावर ने घर में घुसकर गोलियां मार दी। लखनऊ में ATS कमांडो ने की आत्महत्या, अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से दफ्तर में खुद को मार ली गोली। प्रयागराज में मिनी ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौके पर मौत। बुलंदशहर में 3 सुपारी किलर चढ़े पुलिस के हत्थे, 1 तमंचा, 2 पिस्तौल, 1 कारतूस बरामद। हाथरस में जमीन विवाद में परेशान CRPF के जवान की धमकी का वीडियो हुआ वायरल, कहा इंसाफ नहीं मिला तो मैं बन जाऊंगा पान सिंह तोमर। कोटा में टोल मांगे जाने पर एक महिला ने टोल प्लाजा पर की तोड़फोड़, परिवार के रसूख का दिया हवाला। टीकमगढ़ में SUV से टक्कर में 3 बाइक सवारों की मौत, उमा भारती के भतीजे पर आरोप। ओडिशा के मलकानगिरी में बाथरूम में मिला विशाल किंग कोबरा, काफी जद्दोजहद के बाद पकड़ा जा सका। रीवा में हाईवे पर ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर, 5 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के ओखला में मेट्रो ट्रैक पर एक युवक का शव लटका मिला, नहीं हो सकी शिनाख्त। बठिंडा में प्याज के ट्रक ड्राइवर की हत्या, ट्रक को लूट लिया गया। महाराजगंज में ट्रक और बाइक की टक्कर, 2 की मौत। पटना के मनेर में गंगा नदी में 2 नावें आपस में टकराई, 16 लोगों को बचाया गया, 3 है लापता। बांकुरा में BSF के जवान के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब, बांग्लादेश सीमा पर हो गई थी मौत। 28 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट होंगे बंद, मां गंगा के उत्सव डोली श्रद्धालुओं के साथ अपने मायके के लिए करेंगी प्रस्थान। पुणे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कल से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया ने कसी कमर, प्रैक्टिस में बहाया जमकर पसीना। दक्षिण अफ्रीका कप्तान डी प्लेसी की हुंकार, इस बार नहीं छोड़ेंगे कोई कसर, सीरीज में 0-1 से पीछे है मेहमान टीम। बॉलिंग कोच का दावा, हम नहीं
मानते पसंद के बीच हम हर तरह की कंडीशंस में करते हैं शानदार प्रदर्शन करने पर फोकस। बॉलिंग कोच ने जमकर की मोहम्मद शमी की तारीफ, कहा विपरीत परिस्थितियों में विकेट निकालने की क्षमता है शमी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय महिला टीम को झटका, चोट की वजह से आज होने वाले तीसरे वनडे से बाहर हुई स्मृति मंधाना। वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची 6 बार की चैंपियन एमसी मैरीकॉम। शंघाई मास्टर्स टेनिस के तीसरे दौर में पहुंचे रॉजर फेडरर, स्पेन के अल्बर्ट रोसेस को सीधे सेटों में हराया। सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को हटाने के फैसले के खिलाफ वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास पिटीशन, ट्रंप से फैसला वापस लेने की मांग। सीरिया की सीमा पर टर्की ने लगाए टैंक, अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद नॉर्थ ईस्ट सीरिया में घुसने के तैयार हैं टर्की के सैनिक। टर्की की सेना के खिलाफ सीरिया के शहर टाल अबियाद में प्रदर्शन, सीरिया टर्की बॉर्डर पर लोगों ने टर्की के खिलाफ लगाए नारे। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस से बड़े प्रदर्शनकारी आर्थिक नीतियों का कर रहे हैं विरोध। पेरिस के उत्तर पश्चिम इलाके में किसानों का प्रदर्शन, सरकार की कृषि नीतियों का विरोध। दिसंबर में राष्ट्रपति चुनाव के ऐलान के बाद अल्जीरिया में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत, राष्ट्रपति को तुरंत हटाने की मांग। टर्की के बूडरम में फ्लैश फ्लड से तबाही, दर्जनों घर, होटलों में पानी ही पानी। टर्की के बूडरम में सड़कों पर बहती दिखी नदी, बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। अमेरिका के नॉर्थ डेकोटा में स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ताओं से मिली ग्रेटा थनबर्ग, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर साथ देने का भरोसा। मेक्सिको के अल्बकर्की में अंतर्राष्ट्रीय बलून आयोजन, रंगारंग गुब्बारों से सजा आसमान। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।